गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू टीच अबाउट प्रोफेशन सॉरी इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. एज यू ऑल नो इन प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट कोऑर्डिनेशन एज इन सेंस ऑफ मैनेजमेंट. टुडे वी आर गोइंग टू टीच द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर, दैट इज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एज वी ऑल अवेयर दैट इन present area of scale of business is increased day by day. As a result, number of people working in an organization is also increased. They all have different interests, taste, religion, way of working, tolerance, even that they work together only because of the coordination which is establishing by manager between them. देखिए ये कह रहे हैं कि एज वी ऑल अवेयर, जैसा कि हम सभी को पता है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो या इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट ईरा, देन स्केल ऑफ बिजनेस जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. जो स्केल ऑफ वर्किंग है, जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, ठीक है. एज अ रिजल्ट जो नंबर ऑफ पीपल वर्क करते हैं टुगेदर उनका वो भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए हैं. और ऑल द पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर इन अ फर्म, दे ऑल हैव डिफरेंट टेस्ट, दे ऑल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट रिलीजन, वे ऑफ वर्किंग, tolerance power, everything they have different, okay, because we know that every human being have different taste about anything, different ideas, different thinking, different way of working, but they have to work together. उन्हें क्या करना है, काम तो साथ ही मिलकर करना है. और इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कॉर्डिनेशन. ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ कॉर्डिनेशन से ही ये पॉसिबल करते हैं, दैट वी मोटिवेट अवर वर्कर्स बाय आफ्टर हैविंग सो मच आप कह सकते हैं डिफरेंसेज इन देयर नेचर, इन देयर टॉलरेंस पावर, इवन दे हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द सक्सेसफुल कह सकते हो वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन. नाउ कम टू सेकेंड वन. द सेकेंड फीचर इज फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन. व्हाट डज इट मीन? फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन मीन्स there may be a clash of interest among the various departments, such as a situation become very big hindrances in achievement of goals. There is one way to avoid clash, it is coordination. ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि functional differentiation होता है. functional differentiation का मतलब क्या होता है? there may be clash between the interest of various department. हर एक department का जो interest होता है उसमें clash हो सकता है. clash होने का मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपको ये कहूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहता है कि प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का किया जाए, मुझे इतना प्रोड्यूस करना है, तो वो सिर्फ अपने टारगेट पे क्या करता है, फोकस करता है. फाइनेंस वाला क्या सोचता है कि भाई फाइनेंस को अच्छे से अरेंज करना है तो मुझे सिर्फ फाइनेंस देखना है ताकि क्या कर सको, तो वो क्या करेगा, कम जो है फाइनेंस अलॉट करके देगा बाकी डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि उससे क्या करना है, ही वॉन्ट टू शो दैट फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो काम है दैट इज़ बेस्ट. तो इस तरह से उनके इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है, क्योंकि वो अपने अपने बारे में सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचते. एंड समटाइम This type of situation is a big hurdle in achievement of the goal. और इस तरह की जो thinking होती है ये कई बार बहुत ज़्यादा problem create करती है in front of a firm to achieve their targets. And it can be avoided only by one way, that is coordination. क्योंकि जब हम coordinate करते हैं